मौसम देख सकते हैं कि किस तरह का हो गया जी। लाइट ड्रिजलिंग हो रही है, ठंडी हवा उठी हुई। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? और आज की एपिसोड बहुत ही मज़े की होने वाली है क्योंकि मैं जा रहा हूँ प्रिंसेस आइलैंड पे। जी व्यूअर्स, तो ये है हमारा फेरी आ गई है हमारी, जो हमें ले जाएगी आज प्रिंसेस आइलैंड पे। तो यहाँ से तकरीबन एक घंटे का ये रास्ता है प्रिंसेस आइलैंड, तो अब हम वहाँ चलते हैं, आप व्यूज़ इंजॉय करें और वहाँ पहुँच के मैं उसकी आपको कम्प्लीट हिस्ट्री और डिटेल भी बताते हैं। आप ये आप देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि ये जो बॉस्फोरस है एक तरफ से ब्लैक सी के साथ एंड लगता है और एक तरफ मारमारा सी के साथ। तो इस वक्त हम ये बॉस्फोरस ख़त्म हो गई और अब हम मारमारा सी में एंटर हो रहे हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये अब मारमारा सी है, देख रहे हैं। आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि रात का एक अपना क्रूज़ का मज़ा था, एक तरफ शहर की लाइटिंग थी, एक तरफ बॉस्फोरस की दूर तक हद नज़र तारीकी में मतलब डूबा हुआ था, नज़र नहीं आ रहा था। शहर की जो रोशनियाँ थी उनका एक नज़ारा था, ठीक है जी। और दिन में इस फेरी का तो हम खैर मारमारा सी में आ गए बॉस्फोरस से गुजर कर, दिन में एक अपना एक देखिए ये मेरे ऊपर आ गया था, ये आप ये देखिए, आप ये देखते हैं ये पकड़ पाता है नहीं, ये मैं फेंक रहा हूँ, ये पकड़ता है। जी व्यूअर्स, हम ये जो सबसे बड़ा आइलैंड है बिग आइलैंड जिसे ब्योकदा कहते हैं, ये ब्योकदा इन तुर्किश वहाँ आ गए, ठीक है जी। वन ऑफ 9 टोटल आइलैंड, ठीक है जी, उसमें से एक है ये। यहाँ हम आ गए हैं, यहाँ इलेक्ट्रिक कार की अब राइड करनी है। तो उससे पहले ना मैं आपको आगे विजिट कराने से या मज़ीद इन्फॉर्मेशन देने से पहले ये बता दूँ कि ये आइलैंड ये इस टाइम मारमारा सी में है, ठीक है जी। मारमारा सी एशिया में, मतलब हम एशियन साइड में। अच्छा, तो इसके बाद ये एशियन साइड पे है मारमारा सी में, ठीक है जी। मैंने जैसे आपको बताया ये बाइजेंटाइन एम्पायर के ये तब है, ये ऐसे होता था जो रॉयल फैमिलीज रहती थी ना आपके किधर इस्तांबुल में, कोई वो उनको जब उन्होंने मतलब समझे जैसे डिपोर्ट करना होता है ना, तो कोई क्राइम करते थे या कोई सज़ा देने के लिए पनिश करने के लिए वो अपनी रॉयल फैमिली में से लोगों को इधर भेज देते थे, क्योंकि यहाँ कोई रास्ता था नहीं, आईलैंड है वो इधर ही रहते थे समझे जब तक उनकी पनिशमेंट ख़त्म नहीं होती थी, ठीक है जी। तो बाद में ये फेमस हो गए और टूरिस्ट यहाँ आने लग गए, मतलब प्यारी जगह है और यहाँ ग्रीक आर्किटेक्ट भी नज़र आएगा, ठीक है जी, वो भी हम देखेंगे। नीचे उतरते हैं, अभी सबसे बड़ा आइलैंड है ब्योकदा, यहाँ हम इलेक्ट्रिक कार की राइड लेते हैं। ठंड बहुत हो रही है आज, जो क्लाउड कवर था और बहुत तेज़ हवा है यहाँ, मतलब सीन में वैसे होती है। तो आइए फिर चलते हैं जी और आपको यहाँ ब्योकदा आइलैंड दिखाते हैं। ये आपको ये गाड़ियाँ अगर नज़र आ भी नहीं है, तो मेरे ख्याल से मुझे सुनने में आया कि जब से कोविड आया तो उन्होंने वो जो घोड़ा गाड़ी है जो वो बगी थी वो बंद कर दी है और ये इलेक्ट्रिक ये कार शुरू की है,
तो इलेक्ट्रिक मतलब कि पोल्यूशन तो दे नहीं है ना, पेट्रोल के बगैर इलेक्ट्रिक बिजली से चलने वाली है, तो इसलिए ये अभी मुझे नई इन्फॉर्मेशन मिली है, तो शायद हम भी इन्हीं पर ही राइड करके पूरा चक्कर लगाएंगे। तो एक तरह का आइलैंड, ये तो खैर बड़ा आइलैंड है, तो हर चीज़ ही यहाँ मुझे नज़र आ, शॉप्स भी हैं, बार बार शॉप्स भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं, खाने पीने की बाकी दुकानें भी हैं, शॉपिंग की भी हैं, होटल्स भी हैं, ठीक है, और लोगों के यहाँ रिजॉर्ट मतलब रिजॉर्ट टाइप क्या कहेंगे, गेस्ट हाउस टाइप भी हैं, ठीक है जी, रेस्ट हाउस गेस्ट हाउस का, तो हर चीज़ ही है इस आइलैंड पे, ठीक है जी, ज़रूरत है ज़िंदगी की, सिवाय गाड़ियों के और शहर शहर की चहल पहल के अलावा यहाँ सब कुछ है जी। ये हैं जी इलेक्ट्रिक केबल्स, यहाँ जो पहले घोड़े चलते थे उनसे कोई इशू चल रहा है गवर्नमेंट का, लोकल मतलब गवर्नमेंट का, इस वजह से वो कोई बंद हुए हुए हैं, तो ये आजकल वो चले हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिक केबल्स हैं, ये मैं आपको मतलब जो बताने का मकसद है, क्योंकि यहाँ आपको मैंने बताया था ना, कोई व्हीकल मतलब कोई पेट्रोल वाली डीजल वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है, साइकिलिंग की बगीज नहीं है, साइकिल तो आपने देखे हैं, या फिर आप उन्होंने ये इलेक्ट्रिक केबल किए हैं कि आप इस पर राउंड कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा आईलैंड बहुत बड़ा है, तो वो पैदल चलना मतलब मुमकिन तो है लेकिन आप थक जाएंगे, तो अब हम इस पे बैठते हैं, ये तो फिर इससे व्यूज दिखाते हैं। जी जी, तो हम अब अपनी इलेक्ट्रिक राइड कार में बैठे हैं, इलेक्ट्रिक कार में, तो ये अब हमें पूरे आइलैंड का विजिट करवाएंगे। साइड पे ये बिल्डिंग है और यहाँ यूरोपियन ज़्यादा नज़र आ रहे हैं आपको, यहाँ ये तो मुझे स्कूल गलत लग रही है, ठीक है जी, ये चर्च जी कह रहे हैं ये कंपाजीनियम दौर का है, ये चर्च आप देख रहे हैं, दिस वन जो मैं आपको पहले बता रहा था कि यहाँ उस दौर की भी आर्किटेक्ट अभी मौजूद है, तो ये वन ऑफ दैम चर्च था ये। How much kilometers? How much? Kilometers, distance. Six kilometers. Seven kilometers. Yes. ये बता रहे हैं जो इलेक्ट्रिक हम राइड ले रहे हैं, ये तकरीबन 7 kilometers की ये राइड है, अभी जब मैंने इनसे पूछा 7 kilometers ये पूरा रूट है, तो मतलब इतना बड़ा ये आइलैंड है आप देखिए, कि मतलब हम बाय बाय से और इसके बाइक बाइक से हम चक्कर लगा रहे हैं, तो इसमें आप आर्किटेक्ट भी देख रहे हैं, पर्टीनियम आर्किटेक्ट आ रहा है जो उसी दौर का है, बड़ा वक्त तक उसको रेनोवेट करके प्रिजर्व किया हुआ है, तो बहुत ही खूबसूरत थी नेचुरल प्लेस। साइकिलिंग की है, केबल कार राइड तो आपने देखी है, साइकिलिंग का उससे भी ज़्यादा मज़ा आया यहाँ चलाने का, और अब यहाँ यह लिटरली कोई नॉइज़ भी नहीं है, सिर्फ दरख्तों की आवाज़ है, पत्तों की आवाज़ है, हवा की आवाज़ है, सामने हमारे मारमारा सी है राइट साइड पे, सिर्फ खामोशी है, प्योर नेचर अगर मैं कहूँ तो प्योर नेचर। जी व्यूअर्स, तो हमने कुछ शॉपिंग की है पीछे बाज़ार से, कुछ सोवेनियर लिए हैं, कुछ बच्चों के लिए चीज़ें ली हैं, तो और हमारा अब जैसे जाने का वक्त करीब आ रहा है, आप मौसम देखिए कमाल होता जा रहा है जी, अब ड्रिजलिंग भी स्टार्ट हो गई है, क्या मैं बात करूँ, मेरे से तो बोला ही नहीं जा रहा जी, ऐसा मौसम है और ऐसा माहौल है।
शॉर्ट अगर मैं ये कहूँ यहाँ मतलब इन फैसिलिटीज़ के साथ अगर बेस्ट आपने नेचर को इन्जॉय करना है तो दिस प्लेस इज़ वन ऑफ द बेस्ट के विद दैट फैसिलिटीज़ और नेचर इस फॉर्म में अपने ट्रू फॉर्म में नेचर भी आपको मिल रही है। कमाल है जी, कमाल है। खैर अब हमारा क्रूज़ आ गया, अब उधर हम क्रूज़ की तरफ जाते हैं तो वहाँ हमारा लंच भी आइए, लंच भी वहाँ करते हैं जी। व्यूअर्स तो ये था हमारा प्रिंसेस आइलैंड का टूर, बेवकता जो आइलैंड है वहाँ हम गए हैं जो सबसे बड़ा है। और इसके बारे में मैं क्या कहूँ इस टूर के बारे में, अगर मैं कहूँ कि अब तक सबसे ज़्यादा जो मज़ा आया है, इवन के जो पिछली वीडियो में आपने देखा था जो नाइट क्रूज़ था उससे भी ज़्यादा मज़ा आया अगर, तो वो आ जाए तो मौसम बहुत अच्छा हो गया, थोड़ा ठंडा हो गया। उसके अलावा जो व्यूज़ थे, एक तरफ एशिया है मेरे उस तरफ सामने यूरोप है, बॉस्फोरस मिलता हुआ नज़र आया मारमारा सी में, और जो आइलैंड था वो आपने खुद ही देखा है किस तरह का उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है उसको, और कितना वहाँ मतलब प्योर नेचर थी, ठीक है ना, इतनी मतलब फैसिलिटीज़ के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी, तो मतलब अमेजिंग टूर है। अगर आप इस्तांबुल या तुर्की आएँ तो दिस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस, ठीक है जी। तो ये थी जी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिएगा, और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर उसके जवाब दूँगा। वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।